ठंडा हुआ दूध है जिसमें ऐसा मलई रुके रहता है ना, तो इसको मैं क्या करूंगी कि सिर्फ मलाई निकालना है। और ये वो बर्तन है जिसमें मैं मलाई हमेशा रोज सुबह शाम निकालते रहती हूँ। तो ऐसा खाली मलाई निकालना है, मलाई निकाल के इसमें डालना है। ऐसा सिर्फ मलाई निकालना है, दूध नहीं डालना। मलाई डालने के बाद उसको एक स्पून से मैं हमेशा ऐसा मिक्स करती हूँ। ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और मुझे फाइनल जब बटर बनाने का टाइम आएगा तो आसानी हो। और देखो ये मेरा कलेक्टेड, इसमें सिर्फ मैंने मलाई निकाला था, दूध जरा थोड़ा आएगा लेकिन बिल्कुल दूध नहीं है, बहुत कम। कोई प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है, फ्रिज में रखना है। हमेशा मलाई निकालो, उसको इस बर्तन में डालो, फ्रिज में रखो। ओके, तो अभी ये मिक्सिंग हो गया तो मैं इसे अभी वापस फ्रिज में रख रही हूँ। ओके, अभी इसमें फुल हो गया तो इसमें मैं वो आगे का मिक्सिंग नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, एक बड़े बर्तन लेके इस मलाई को इसमें ट्रांसफर करूंगी। अभी देखो मैंने पूरी मलाई इसमें डाल दी। ये स्पून छोटा है और इसके लिए जरा बड़ा फोर्क यूज करूंगी मैं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ मुझे बस होगा नहीं। तो मैं ये स्पून हटा के एक बड़ा वाला फोर्क जो अच्छा स्ट्रांग है इसे लेती हूँ और इसको मैं अच्छे से ऐसा मिक्स करूंगी। ऐसा फोर्क से मिक्स जब हम लोग करेंगे तो वो जो बटर है स्टिफ होना चालू होता है, मलई बटर फॉर्मेशन को चला जाता है। और देखो आप, देखो ये कंसिस्टेंसी, विप क्रीम बीट करे तो क्या कंसिस्टेंसी आती है, वैसे ही वो हार्ड होने लगता है। तो ऐसे ही हाथ डाले तो हाथ जरा गंदा हो जाता है, तो मैं बड़ा सा फोर्क लेती हूँ और ऐसा उसको ऐसा ऐसा करके अच्छे से बीट करते हूँ। यू कैन यूज मिक्सर में भी कर सकते हो, ये सब जो भी है ये बर्तन से डायरेक्ट मिक्सी में डालो, मिक्सी चलाओ और बटर अलग हो जाता है, लेकिन मुझे ये पसंद आता है तो मैं ऐसा करती हूँ। तो ऐसा जैसे ही आप ऐसे इसको मिक्स करते रहोगे आपको वो जरा हार्ड होने लगेगा। लेकिन ये याद रखो, ये प्रोसेस करने में जैसे ही आप फ्रिज से निकालो उसको बाहर रख के नहीं करना है, जैसे ही फ्रिज से निकालते हो आपको इसको कर देना है। तो क्या है, आपको देखो अच्छा खासा एक, देखो ऐसा आपको, आप देख सकते हो कैसे वो हार्ड हो रहा है, इसका मतलब बटर स्टिफ हो रहा है वो जो भी दूध है उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जब मलई निकालेंगे तो दूध तो उसके साथ थोड़ा आएगा ही। देखो कितना अच्छा एक व्हिप क्रीम जैसा हम लोग जब बीट करेंगे तो आता है, वैसा एक अच्छा खासा ऐसा ये कंसिस्टेंसी में आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, ये फोर्क को मैं तब हटा देती हूँ, इसमें जो भी बटर है, बटर ऑब्वियसली क्योंकि अभी बटर ही है, इसको मैं हटा के फिर मैं अपने हाथ डालती हूँ। यू कैन पुट दिस इन द मिक्सर ग्राइंडर ऑल्सो, लेकिन मैं ऐसा क्या करती हूँ, मैं इसको जरा भी हाथ से ऐसे करती हूँ, अपने हाथ से मिक्स करती हूँ ताकि बटर बाहर निकले, बटर और दूध जो है वो अलग हो जाए। ये प्रोसेस ऐसा करने से बटर और दूध सेपरेट हो जाते हैं।
तो ये देखिए, ये एक्चुअली बटर है लेकिन इसमें मिल्क ट्रैप है। तो जैसे मैं इसको करते रहूंगी ऐसा बनेगा, तो फिर इसके बाद ही उससे दूध जो भी है वो निकलेगा। तो ये प्रोसेस करते रहना है जब तक कि दूध बाहर ना निकले। एकदम सा हार्ड बन गया है और ये बटर है, लेकिन इसको और थोड़ी देर ऐसा करने की जरूरत है ताकि दूध उससे बाहर निकले। तो देखिए, मैंने एक 5 to 7 minutes ऐसे हाथ से अच्छे से ऐसे किया है, तो आपको देख सकते हो कि एकदम ग्रेनी सा टेक्सचर आया है और आपको जरा जरा मॉइस्चर दिख रहा है, तो वो मॉइस्चर दूसरा क्या भी नहीं, दूध है। तो देखो, आपको दूध दिखता है, मैं स्क्वीज स्क्वीज कर रही हूँ तो आपको दूध दिख रहा है। तो बटर अलग हो रहा है, बटर दूध से अलग हो रहा है यहाँ। तो मैं ऐसा इसीलिए जब भी आप मलई निकालो, लेकिन गर्म दूध से कभी मलई मत निकालो, क्योंकि एकदम पतली मलई आती है। दूध को गर्म करको, उसको ठंडा करो, उसके बाद ही उसमें से मलई निकालो, क्योंकि अच्छा मोटा मलई आता है। दूध गर्म होने के बाद ठंडा होना है, उसके बाद ही मलई को, हाँ, तब मलई ऊपर सेट हुए रहती है। वो मलई निकाल के उससे बटर बनाओ। और जब भी मैं ये बर्तन छोटे बर्तन में डालती हूँ, क्योंकि वो मुझे फ्रिज में रखने को इजी होता है, फिर मैं उससे बड़े बर्तन को, क्योंकि मुझे हाथ से ऐसा करना रहता है, वो छोटे बर्तन में वो बस होता नहीं है मुझे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ऊपर से देखो, हाँ यहाँ देख सकते हो आप कि देखो दूध अलग हुआ है, और ये जो भी है यहाँ, ये प्योर बटर है, होममेड, अनसॉल्टेड। इसको ही हम लोग अनसॉल्टेड बटर बोलते हैं, मतलब इसको अगर सॉल्टेड बनाना चाहते तो जरा सॉल्ट, बट मुझे उसका रेशियो तो मालूम है नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को ये बटर बहुत पसंद है। देखो, आप देख सकते हो कि ऐसा दूध अलग हुआ है और बटर, दूध और बटर तो अलग हो चुके हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी, दूध और बटर जो अलग हुआ है उसमें से बटर को जरा हटाऊंगी। तो और ये तरीके में बहुत ज्यादा बटर मिलता है। पहले मैं भी बहुत वो कर्ड्स डाल के फिर बटर बनाने का प्रोसीजर करती थी, जिसमें मिक्सी में डाल के, हाँ यहाँ हाथ जरा गंदे होते हैं, फिर भी इट्स वर्थ इट। एंड थैंक्स टू जुबेदा आंटी फॉर दिस रेसिपी। जब मैं उनके साथ थी तो उन्होंने मुझे ये रेसिपी बता के दी थी, तो जब से मैं उन्होंने मुझे बताया और मैं इसे करने लगी हूँ, मैं अभी ऐसे ही करती हूँ। और उसमें बटर भी, ये मेथड में बटर भी ज्यादा मिलता है। तो ये बटर है जो इसमें से निकला। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको वॉश करूंगी। और ये पहला पानी मैं इसमें ले लूंगी, क्योंकि इसमें जरा जो भी दूध का जो भी रेसिड्यू बचा, ट्रैप रहता है, वो मिल जाता है। और इसे मैं इसमें से कर्ड्स भी बना सकती हूँ, मैं बटर मिल्क बनाती हूँ इससे। इसको मैं जरा बटर मिल्क का थोड़ा बटर मिल्क जो मेरे पास रहता है उसे इसको मिक्स करके मैं उसका बटर मिल्क बनाती हूँ। और इसको एक 4-5 बार जब तक कि क्लीन पानी नहीं आए तब तक मैं उसको अच्छे से धो लेती हूँ। इसको मैंने एक 4-5 पानी में धोया, और अभी इसका पानी जरा अच्छा आया है, मतलब क्लीन पानी आया है। तो अभी मैं इसका वॉशिंग स्टॉप कर दूंगी, ये पानी को फेंक दूंगी, और ये बटर रेडी, अनसॉल्टेड
होममेड बटर, एकदम टेस्टी रहता है। एक बार ऐसा बनाओ आप, और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके आपको कैसा आया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम्स हुए तो उसको भी बताओ, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं, सही तरीके से गाइड कर सकूं। थैंक यू।